हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो यू आर वेरी वेल। और मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। गाइज, आज मैं अपनी वीडियो में बात करने वाली हूँ फैशन और स्टाइल के बारे में, और ऐसा फैशन स्टाइल जिसमें आपका एक रुपया नहीं लगने वाला। आप पुराने आउटफिट को कैसे रीयूज कर सकते हैं, स्पेशली अपनी कुर्तियाँ, फ्लेयर कुर्तियाँ, ड्रेसेस और इनके हैवी दुपट्टों को। तो गाइज, यही मेरी वीडियो का टॉपिक है कि आप पुराने आउटफिट को कैसे नया लुक दे सकते हैं, ट्रेंडी लुक दे सकते हैं और स्टाइलिश लुक दे सकें जिसमें आप बहुत क्लासिक लगेंगे। गाइज, आपके भी कबड़ में बहुत सारी कुर्तीज ऐसी होती होंगी, ए लाइन कुर्तीज ऐसी होंगी, या तो ज़्यादातर उनको पहनते हुए आप बोर हो गए, और स्पेशली आपको उनका प्रिंट बहुत अच्छा लगता है, फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं, फ्लेयर कुर्ती होती हैं, घेर वाली कुर्ती, जिनको हम डेली यूज़ तो नहीं कर सकते हैं और उनका फैशन आउट हो जाता है और हमको लगता है कि इतनी एक्सपेंसिव अगर हमने खरीदी तो हम इनका कैसे यूज़ करें। तो गाइज, मैं कुछ आइडियाज़ और टिप्स आपको देने वाली हूँ। अगर घर पे बैठे हो बैठे आप लॉकडाउन के टाइम पे हो रही हैं बोर और क्रिएटिविटी करना जानती हैं, तो आपको ये आइडियाज़ बहुत पसंद आने वाले हैं। तो मैं कुछ ऐसी इमेजेस आपके सामने शो करने वाली हूँ, कुछ ऐसे आइडियाज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाले जो बहुत हेल्पफुल लगने वाले, जिसमें आप दुपट्टे का यूज़ भी कर सकते हैं, एलाइन कुर्ती का भी और घेर वाली कुर्तियों का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आप नई नई क्रिएटिविटी करना जानती हैं तो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा गाइज, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्रेस बेल आइकॉन एक बटन होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरी नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, जहाँ पर मेरी आइडिया इट्स सीमा चौधरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ गाइज, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप मैं कैसे पुरानी साड़ियों का रीयूज़ करती हूँ। गाइज, उसमें मैंने डीपली हर तरीके से अपनी साड़ियों का यूज़ करना बताया है। किसी भी तरीके की साड़ी है, आप उसको ड्रेसेस में ही कन्वर्ट नहीं कर सकती हैं, आप डिफरेंट स्टाइल में होम की सजावट का सामान भी बना सकती हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिस पर मुझे भर भर के प्यार मिला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बातें ज़्यादा ना करते हुए मैं बताती हूँ कुछ ऐसे आइडियाज, टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें आप पुराने आउटफिट को कैसे नया लुक दे सकते हैं, ट्रेंडी लुक दे सकते हैं और उसको पेयर अप करके आप नए स्टाइल में और नए लुक में दिख सकते हैं गाइस। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपके पास भी बहुत सारी कुर्तीज रखी होगी कबर्ड में, जिनको देखकर आप परेशान होते रहते हैं। तो गाइस, मैं बहुत क्लासिक अमेजिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। गाइज, आज हम बात करेंगे ओनली वन कुर्तीज़ के बारे में। कुर्ती किसी भी डिज़ाइन की हो सकती है, या प्लेन हो, प्रिंटेड हो, एलाइन हो, घेर वाली हो, या आपका गुजराती स्टाइल में, सभी का एक अमेजिंग तरीका बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। गाइज, मेरा फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉप टॉप या ब्लाउज़। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग कट करवा लीजिए और नीचे बॉर्डर लगवा लीजिएगा, और इस टाइप का खादी, कॉटन या फ्रंट ओपन कुर्तियाँ बहुत अमेजिंग और वर्सेटाइल लुक देती हैं। अगर आप इस टाइप की क्रॉप टॉप या ब्लाउज़ क्रॉप टॉप को पहनते हैं एक प्लाजो पैंट के साथ, प्लाजो के साथ, स्कर्ट के साथ, इस टाइप का ऑर्गेनिक प्रिंट बहुत अमेजिंग लुक देता है अगर आप इसका ब्लाउज़ बनवाते हैं। गाइस, आप कलमकारी प्रिंट भी बहुत अमेजिंग लगता है अगर आप इसको साड़ी के साथ पहनते हैं। गुजराती स्टाइल की कुर्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप इसको लॉन्ग बनवाएंगे और उसको साड़ी के साथ पेयर अप करती हैं तो बहुत वर्सेटाइल एलिगेंट लुक आता है गाइस। और फ्रंट ओपन इस टाइप के बैन वाली कुर्तीज़ के साथ की भी क्रॉप टॉप बहुत खूबसूरत लगती है। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप किस तरीके से अपनी ब्यूटीफुल घेर वाली कुर्ती से बना सकते हैं एक खूबसूरत स्कर्ट। गाइस, ऊपर वाले हिस्से का आप क्रॉप टॉप या ब्लाउज़ बना लीजिए और नीचे की लेंथ को नापते हुए उसके अकॉर्डिंग आप बेल्ट लगवा लीजिए, और आप इसको पेयर अप कर सकते हैं किसी भी स्टाइलिश क्रॉप टॉप के साथ। साथ में आप मैचिंग क्रॉप टॉप भी पहन सकते हैं। अगर वो घेर वाला आपका सूट है और कुर्ती है तो आप उसके ऊपर वाला हिस्सा भी मैचिंग ही बनवा सकते हैं गाइस। इस टाइप का ऑर्गेनिक प्रिंट भी बहुत अच्छा लगता है, आप किसी ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ पेयर अप कर सकते हैं। प्रिंटेड अनारकली घेर भी बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप उसको शर्ट के साथ पेयर अप करते हैं, और चेक की स्कर्ट भी बहुत खूबसूरत लगती है अगर आप कुर्ती से बनवाते हैं। थर्ड ऑप्शन भी बहुत यूज़फुल है गाइज, अगर आपके पास प्रिंटेड सूट रखा हुआ तो आप किसी भी ब्यूटीफुल अनारकली घेर वाली ड्रेस के साथ आप उसकी जैकेट बनवा लीजिएगा तो बहुत स्टाइलिश लुक आता है गाइज। नेक्स्ट ऑप्शन भी बहुत अच्छा है कि आप दुपट्टे से बहुत सुंदर आउटफिट बना सकते हैं गाइज। अगर आपके पास भी कुर्तीज़ नहीं हैं और आपके महंगे वाले
बहुत खूबसूरत से दुपट्टे रखे हुए हैं कबर्ड में, तो आप देखिए उसका यूज़ कीजिए, आप उसको किसी को भी मत दीजिए। और मैं बताने वाली हूँ बहुत अमेजिंग आउटफिट जिसे आप पहनकर बहुत खूबसूरत लगेंगी। दुपट्टे से आप बनाइए स्कार्फ और जैकेट। अगर आप वर्सेटाइल लुक चाहती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो आप उसे खूबसूरत जैकेट बना सकती हैं और स्कार्फ भी बना सकती हैं। इस टाइप का जो लुक होता है, स्कार्फ लुक होता है, वो कॉलेज गोइंग गर्ल टीनेजर्स के लिए बहुत अमेजिंग लुक लगता है। आप इस तरीके से जैकेट की तरह भी इसको पेयरअप कर सकती हैं। गाइस आप दुपट्टे से बना सकते हैं ब्यूटीफुल स्टाइलिश टॉप। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या जॉब पर जाती हैं, तो आप किसी भी जीन्स के साथ इसको पेयरअप कर सकती हैं। आप इसमें कोई भी किनारी लगवा सकती हैं, साथ में आप प्लेन भी किसी दुपट्टे से इसको बना सकती हैं। रोम्पा स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, इसमें लेंथ भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत वेस्टर्न लुक आता है। गाइस आप किसी भी लाइट वेट दुपट्टे से स्विम वियर कवर अप भी बना सकती हैं अगर आप स्विमिंग की शौकीन हैं तो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है गाइज आप काफ्तान बनाइए। काफ्तान बहुत खूबसूरत लगते हैं और अगर आपके पास लेंथ ही दुपट्टा है, खूबसूरत दुपट्टा है, या प्लेन प्योर सिफोन का दुपट्टा, तो आप इससे काफ्तान बनाइए इनर लगा कर। जैसे मैंने ये सुंदर काफ्तान बनाया था, ब्लैक नेट के दुपट्टे से भी मैंने काफ्तान बनाया था जिसको मैं जॉब पर जाती थी तो पहनती थी, बहुत सुंदर लगता था। गाइज इस टाइप का प्रिंट बहुत वर्सेटाइल लुक देता है अगर आप इसको लेगिंग जैगिंग के साथ पहनती है। प्रिंटेड काफ्तान भी बहुत खूबसूरत लगते हैं अगर आपके पास इस टाइप के दुपट्टे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है गाइज आप दुपट्टे से खूबसूरत सूट बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्लावर वाले इतने खूबसूरत दुपट्टे रखे हुए हैं जिनकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो आप इनसे एलाइन कुर्तीज़, फ्रंट ओपन कुर्तीज़ बनवा सकते हैं और आप उनको लेगिंग जैगिंग के साथ पेयरअप करेंगी तो बहुत स्टाइलिश लुक आता है। बंधेज वाले दुपट्टों से आप बहुत खूबसूरत ट्यूनिक स्टाइल बनवा सकते हैं। गाइज़ साड़ी ड्रेपिंग बहुत आजकल बहुत क्रेज़ में है गाइज, तो आप अपने ब्यूटीफुल दुपट्टे को साड़ी ड्रेपिंग की तरह स्टाइल कर सकते हैं। जीन्स के साथ, एक पैंट के साथ बहुत एलिगेंट लुक लगता है एक टीनेजर्स के लिए। गाइज फुलकारी दुपट्टे को आप रीयूज़ कर सकते हैं एक पैंट की तरह और आपको आप इसको वाइट कुर्ती के साथ पहन सकते हैं। गाइज़ अगर आपके पास कोई भी नेट दुपट्टा है तो आप उससे श्रग बना लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक जंप सूट के साथ भी पहना है और एक ड्रेस के साथ भी पेयरअप किया है। गाइज़ प्रिंटेड दुपट्टे से बना सकते हैं आप खूबसूरत सा प्लाजो पैंट और साथ में खूबसूरत ड्रेस के साथ एक कैप का भी यूज़ कर सकते हैं आपके पास अगर हैवी दुपट्टा है। अगर आपके पास दो दुपट्टे रखे हुए हैं, जैसे एक प्लान है और प्रिंट है, तो आप इसे ब्यूटीफुल ड्रेस बना सकते हैं मिक्स एंड मैच करते हुए। आप इसे यहाँ पर किसी भी टेलर मास्टर की हेल्प भी ले सकते हैं, बहुत एलिगेंट लुक लगता है। गाइस अगर कोई लॉन्ग कुर्ती है तो आप इसको शॉर्ट करके एक धोती कुर्ता भी बनवा सकते हैं। गाइस और लास्ट ऑप्शन भी बहुत यूज़फुल है गाइस, आप ब्यूटीफुल कुशंस बना सकते हैं अपनी ब्यूटीफुल दुपट्टों से, साथ में टेबल कवर भी बना सकते हैं। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। गाइस हेल्पफुल लगी है अगर आपको मेरी ये वीडियो और पसंद आई आपको मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइज एंड टाटा बाय बाय।